प्रदेश के कानपुर देहात में एक दर्दनाक घटना हुई। यहां घर में आग लग जाने की वजह से 5 लोगों की जलकर मौत हो गई। घटना रूरा थाना क्षेत्र के हारमो बंजारा डेरा गांव की है, जहां एक झोपड़ी में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई, जिससे 5 लोगों की जान चली गई। मरने वालों में 3 बच्चे भी शामिल हैं। वहीं एक बुजुर्ग महिला गंभीर रूप से घायल हो गई है, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना की जानकारी मिलने के बाद भारी पुलिस बल के साथ डीएम एसपी भी मौके पर पहुंचे। घटना के बाद पुलिस फॉरेंसिक टीम और डॉग स्क्वाड के साथ जांच में जुट गई। इस हादसे को लेकर बताया जा रहा है कि गांव में रहने वाले सतीश कुमार पत्नी काजल और 3 मासूम बच्चों के साथ अपनी झोपड़ी में सो रहे थे। देर रात अचानक छप्पर में आग लगने से चीख पुकार मच गई। चीख पुकार सुनकर दौड़े ग्रामीणों ने आग बुझाने की काफी कोशिश की, पर देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया और दंपति समेत 3 मासूमों की जिंदा जलकर मौत हो गई। देखिए, हमारे थाना रूरा क्षेत्र अंतर्गत गांव हरामो में बंजारा डेरा में एक झोपड़ी में आग लगने की सूचना मिली थी और कुछ लोग मरने की सूचना मिली थी। तुरंत मेरे मतलब मैं और मेरे सारे जितने भी सक्षम अधिकारी सभी लोग मौके पर पहुंच गए और फोरेंसिक यूनिट, फायर ब्रिगेड एंड ऑल्सो डॉग स्क्वाड सब भी मौके पर पहुंच गए और अभी जांच पड़ताल चल रहा है। इसमें सतीश और काजल नमक पति पत्नी और उनके परिवार सहित जलने की मतलब अभी फिलहाल इन्फॉर्मेशन है और उनकी जो माता जी है वो भी उनको बचाने के चक्कर में थोड़ा जल गई है। उन सबको मतलब उनको चिकित्सा के लिए मतलब हॉस्पिटल भेजा गया है और बाकी जितने भी डेड बॉडीज है उनको भी पैक कराकर हॉस्पिटल भिजवाया गया है और अभी फिलहाल जांच चल रही है। जो भी सत्य सामने आएंगे आपको अवगत कराएगा। कितने लोगों की डेथ होने की सोच? फिलहाल अभी जो प्रथम दृष्टया जो हमें इन्फॉर्मेशन मिली है और हमने जो हमारे टीम ने जो देखा है 5 लोगों की डेथ की इन्फॉर्मेशन है और बाकी अन्य चीजें जो भी सामने आएंगे आपको अवगत। देश विदेश की ताज़ा खबर पाने के लिए हमारे चैनल वी न्यूज़ को सब्सक्राइब करें व बेल आइकॉन दबाना न भूलें।